दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेजू की धराधर कहते हैं ट्रेंड में चल गए हैं। फेजू वैसे तो ट्रेंडिंग में रहती हैं, लेकिन जब से इनका प्रोमो देखा है बिग बॉस का, फेजू काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना इनके ट्रेंडिंग में इनके चलने के बारे के न्यारे हो चुके हैं। आपको बताता हुआ चलूँ, जिसके आप लोग जानते हैं कि अदनान फिलहाल तो बिग बॉस ओटीटी में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि अदनान खान कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब वो जो कर रहे हैं इतना तो बिग बॉस ओटीटी के किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं करा। और जाहिर सी बात है, जब ओटीटी में जाते हैं फैजू, तो इनसे जब पूछा जाता था कि अदनान के बारे में बताइए, तो ये साफ साफ कहते हैं कि मेरा तो दोस्त है और मैं यही कहूँगा कि अदनान बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ऐसे में अलविश यादव कहते हैं कि कोई अच्छा नहीं खेल रहा था। तो ऐसे में फेजू का जो जवाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब एलविश की शक्ल देखने लायक होती है और वो बोलती हो जाती है बंद। फेजू कहते हैं जिस एलविश को खुद 3-4 दिन लगे हों अपनी पर्सनैलिटी बनाने में, आखिर वो क्या ही बताएगा कि गेम क्या होता है। जब ये बात फेजू ने बोली तो मैं तो बताता हूँ कि मुनावर की जनता, देखो एक तो फेजू के साथ है ही, क्योंकि आप लोग नहीं जानते, लेकिन फेजू ने काफ़ी तगड़ा सपोर्ट किया था बाहर से जब मुनावर फारूकी बिग बॉस में थे, तो फेजू को तो पूरी मुनावर की जनता काफ़ी ज़्यादा पसंद ही करती है। और साथ में एजाज खान भी काफ़ी ज़्यादा एलविश यादव को टारगेट कर रहे हैं, मतलब बस ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके मेरा पंगा हो जाए। तो ऐसे में भाई टीम 07 और मुनावर की जनता भी एजाज खान के साथ है। चलो, फेजू का ये जो जवाब एलविश का था ये कैसा लगा कमेंट करके बताएं।